दिल्ली का एक पुराना इलाका जहां रहते थे मध्यम वर्गीय कश्मीरी कौल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जवाहर मल कौल। वो एक व्यापारी थे, घर में पत्नी राजपति कौल और चार बच्चे, दो बेटे चंद बहादुर कौल, कैलाशनाथ कौल और दो बेटियां स्वरूप काटजू और कमला कौल। वो कमला कौल जिन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शादी करने के बाद कमला नेहरू के नाम से जाना गया। 1 अगस्त साल 1899 को जन्मी कमला नेहरू अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। ये वो दौर था जब मिडिल क्लास फैमिली में बेटियों की पढ़ाई लिखाई तो कराई जाती थी, पर वो घर के काम काज सीखें, संस्कारी बने, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जिसके पीछे वजह थी, तब लड़कियों की शादी कम उम्र में ही करा दी जाती थी। कुछ ऐसा ही माहौल कमला नेहरू के घर में था। कमला नेहरू भी जब 12 साल की हुई तो उनके घर वाले शादी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगे। उधर इलाहाबाद के बेहद कामयाब वकीलों की कतार में शामिल मोतीलाल नेहरू भी अपने एक लौते बेटे जवाहरलाल नेहरू की शादी के लिए एक सुशील कन्या देख रहे थे। मोतीलाल नेहरू और कमला नेहरू के पिता जवाहरलाल कौल एक दूसरे से मिले। तब मोतीलाल नेहरू ने कमला नेहरू को देखा तो वो उनकी सादगी और संस्कार से बेहद प्रभावित हुए। तय किया कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि जब तक बेटे जवाहरलाल नेहरू लंदन से नहीं आ जाते, तब तक उनकी होने वाली बहू कमला नेहरू उनके घर के तौर तरीकों से वाकिफ हो जाए। इस वजह से वो कमला नेहरू को शादी के कुछ साल पहले ही इलाहाबाद ले आए। उन्होंने कमला नेहरू को आनंद भवन में नहीं बल्कि एक रिश्तेदार के घर पर रखा। दरअसल मोतीलाल नेहरू खुद और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। मोतीलाल की दोनों बेटियां विजयलक्ष्मी पंडित और कृष्णा नेहरू भी बेहद पढ़ी लिखी थीं। ऐसे में मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां कमला नेहरू को अंग्रेजी तौर तरीके सिखाएं। यूं तो कमला नेहरू ने पढ़ाई लिखाई की थी, पर वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। वहीं उनके घर का माहौल भी अंग्रेजियत से भरा नहीं था। अब ऐसे में कमला नेहरू को पश्चिमी सभ्यता को अपनाना था। बस यहीं से कमला नेहरू की जिंदगी ने एक अजीब सी करवट ली। 8 फरवरी साल 1916 17 साल की कमला नेहरू और 26 साल के जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई। ब्रिटिश लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखा है, हिंदू संस्कार कमला नेहरू के व्यक्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा थे, लेकिन पश्चिमी परिवेश वाली नेहरू फैमिली में उन्हें एकदम विपरीत माहौल मिला। वो खुद को अलग थलग महसूस करती रहीं। जब कमला नेहरू शादी के बाद आनंद भवन आई तो वहां उनकी मुलाकात एक नहीं दो सासों से हुई। पहली थी जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी और दूसरी बीबी अम्मा। बीबी अम्मा स्वरूप रानी की बहन थी जो कम उम्र में विधवा हो गई थी और अपनी बहन स्वरूप रानी के साथ ही उनके घर पर रहती थी। कमला नेहरू को अपनी दोनों सास का साथ अच्छा लगा। वो अपने आप को उस घर में ढालने की पूरी कोशिश करने में लगी रही, पर इस दौरान वो एक अजीब सी दिक्कत का सामना भी कर रही थी। एक जोड़ा सास का और एक जोड़ा ननद का। दरअसल कमला नेहरू ने महसूस किया कि एक तरफ तो उनकी दोनों सास उन्हें संस्कारी बहू बनाने की कोशिश किए जा रही हैं, घूंघट ना लेने पर उनकी निगाहें तिरछी हो जाती, सुबह जल्दी उठने पूजा पाठ करने की अपेक्षा रहती, पति जब तक ना आ जाए खाना ना खा ले के संस्कार की अपेक्षा रहती, और वहीं दूसरी तरफ थी कमला नेहरू की दो ननद विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा नेहरू। दोनों ननद की अपेक्षा होती कि कमला नेहरू भी उनकी तरह आधुनिक और पश्चिमी ढंग में रहे। ऐसा न कर पाने पर उनका माहौल उड़ाया जाता, अंग्रेजी ना जानने को लेकर अक्सर ताने भी मिलते, ऐसे ताने जो तीर बनकर उनके कलेजे में चुभ जाते थे। दोनों ननद कमला नेहरू से कहती, भाई को अंग्रेजी कविता का कितना शौक है, पर बेचारा अपनी अनपढ़ बीवी के साथ उनका मजा ही नहीं ले पाते। कमला नेहरू इन तानों से आहत होकर रो पड़ती। एक घर में
दो अलग अलग संस्कारों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल था। वो ऐसे माहौल में घुट रही थी। हालांकि पति जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी कमला नेहरू से बेहद प्रेम करते थे, उनका पूरा ख्याल रखते थे, पर सियासी व्यस्तता की वजह से ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। कमला नेहरू ने किसी को भी जवाब न देते हुए इस परेशानी से निजात पाने के लिए खुद को दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये वो वक्त था जब दोनों सासों और दोनों ननद के अनुचित अपेक्षाओं के सामने ना झुकने का संकल्प बीज इनके दिल में पड़ा। दरअसल कमला नेहरू खाली वक्त में किताबें पढ़ती, जवाहरलाल नेहरू उनकी पसंद की किताबें मंगवा दिया करते। कमला नेहरू ने देश के बड़े बड़े हिंदी साहित्यकारों के साथ रूसी साहित्यकारों को भी हिंदी के अनुवाद के जरिए पढ़ा। वो कभी कभी अंग्रेजी में भी पढ़ती थी। इसके साथ उन्होंने देश के हालात पर भी नजर रखी। दोनों सास नहीं चाहती थी कि वो घर की दहरी लांघे, फिर भी वो गांधी जी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी। पति जवाहरलाल नेहरू का साथ मिला तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान एक बार जब अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को इस डर से गिरफ्तार कर लिया कि उनके भाषण में राजद्रोह की बातें होंगी, तब जवाहरलाल नेहरू की गैर मौजूदगी में कमला नेहरू आगे आई। इन्होंने वो भाषण पढ़ा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। कमला नेहरू सादगी पसंद महिला थी। गहने पहनना और सजना सवरना उन्होंने लंबे अरसे से छोड़ रखा था। सास और ननंद की अपेक्षाओं का सिलसिला यूं तो उम्र भर चला, लेकिन जब बेटी इंदिरा पैदा हुई तो उनका खालीपन कुछ भर गया। पर वक्त के साथ कमला नेहरू अंतर्मुखी होती चली गई, इस वजह से बीमार रहने लगी। फिर एक दिन पता चला उन्हें टीबी हो गया है। साल 1930 के बाद के सालों में वो बेहद बीमार रही। साल 1934 के अंतिम महीनों में उनकी देखरेख के लिए इलाहाबाद के स्वराज भवन में डिस्पेंसरी बनवाई गई। जवाहरलाल नेहरू तब जेल में थे। अपनी आत्मकथा फिर जेल में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, मुझे हर पल अपनी पत्नी को खो देने का डर सताता है। अगस्त साल 1934 को जब मुझे 11 दिनों के लिए देहरादून जेल से छोड़ दिया गया ताकि मैं बीमार पत्नी को देखने के लिए जा सकूं, वो लिखते हैं, किस तरह कमला की फिक्र ने मेरे दिमाग से राजनीति को निकाल दिया है। अब उनका इलाज अल्मोड़ा के भवाली में हो रहा है, इसलिए मुझे भी अल्मोड़ा जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि मैं अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकूं। कमला नेहरू की तबीयत और बिगड़ी तो इलाज के लिए विदेश ले गए। अपनी आत्मकथा फिर जेल में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, खबर मिली है मेरी पत्नी कमला की हालत नाजुक हो गई। स्वार्ट्स वार्ड के बेडन व्हीलर में उनका इलाज हो रहा है। मुझसे कहा गया है कि मेरी सजा मुलतवी कर दी गई है और मैं अपनी रिहाई के 5.5 महीने पहले छोड़ दिया गया। मैं फौरन हवाई जहाज से यूरोप को रवाना हुआ। बाद के दिनों में कमला नेहरू का इलाज स्विट्जरलैंड के लोजानो शहर में हुआ, जहां 28 फरवरी साल 1936 को सिर्फ 37 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तब जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के पास थे। वो कमला नेहरू की अस्थियां लेकर भारत आए और उन्हें त्रिवेणी में विसर्जित किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपनी कमला से बेहद प्रेम करता हूं, उनके निधन से मुझे गहरा सदमा लगा है। कहा जाता है बहुत साहसी औरतें हमेशा अकेले होती हैं। एक भरा पूरा खुशहाल घर होते हुए भी घरेलू कलह से अकेलेपन का शिकार होती है। उन्हें कमला नेहरू से सीखना चाहिए, वो कमला नेहरू जिनके पास साहस था, अपने रिश्तों को साथ लेकर चलते हुए घर हो या समाज अपनी बात रखने का, आवाज उठाने का, अपने हालातों से लड़ने का और अपने लिए नए रास्ते ढूंढने का। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।